हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नीला एंड वन। कैसे हैं आप लोग? और आज का दिन थोड़ा मतलब अब कह सकते हैं हर दिन एक जैसा नहीं होता, वैसे ही आज हमारा सबकी तबीयत ऐसी लग रही डाउन सी है। थोड़ी मेरी भी लग रही है, थोड़ी रोहित की भी लग रही है। रोहन तो भी थैंक गॉड ठीक है, क्योंकि भाई जस्ट तो बीमार होकर ठीक ही हुआ है, उसको कुछ कह नहीं सकते कि भाई तुम बीमार दोबारा मत हो ना। और रोहन का एग्ज़ाम भी चल रहा है, अभी वो स्कूल गया हुआ है। और क्या है आज का प्लान? आज का कुछ खास तो नहीं, ऐसा बस लग रहा है बहुत ज़्यादा तबीयत मतलब वीकनेस ऐसा होता है ना, वैसे अंदर से आपको ऐसा फील होता है कि फीवर आने वाला है, फीवर आने वाला, बट फीवर है नहीं, बट आपको फील हो रहा है कि फीवर है, कहीं फीवर तो नहीं है। एक्चुअली गाइज, ऐसा वेदर हो चुका है नोएडा का, मैंने आपको कल दिखाया था कल बारिश हो रही है, और फिर आज इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ धूप कि फिर से ऐसा लग रहा है कि बहुत गर्मी हो रही है। तो कभी सुबह दिन मॉर्निंग में आपके सर्दी होती है, रात दिन में पूरी गर्मी, एकदम गर्मी वाला वेदर जैसा हो रखा है, और शाम को फिर हल्की सी ठंड जैसी हो रही है। तो समझ में नहीं आ रहा, तब ना पूरा वुलेंस अभी तक रखा भी नहीं है, समझ में नहीं आता कि पूरा रखे कब रखे या निकाले क्या। पहनो तो गर्मी लगती है, नहीं पहनो तो फिर सर्दी जैसी लगती है। उसी के चक्कर में सारा मतलब मौसम जो हो रहा है कॉन्स्टेंट नहीं है, चेंज होता जा रहा है। उसी की वजह से सर्दी खांसी फीवर, मतलब जिसको सुनो वही सबको यही प्रॉब्लम हो रही है। अब वेदर कांस्टेंट होगा तभी कुछ कह सकते हैं। कल इतनी मतलब कल इतना अचानक से वेदर चेंज हो गया, बारिश हो गई, और आज फिर से मौसम चेंज, धूप निकल आई है। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, या तो सर्दी अच्छे से रहो या तो फिर सर्दी चले जाओ प्रॉपरली, या कभी गर्मी हो रही कभी सर्दी हो रही है। मुझे लग रहा है यही रीज़न है बीमार होने का, या थोड़ा सा हैवीनेस हैवीनेस सा फील होने का, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मतलब मुझे वही लगता है कि वेदर पे ही डिपेंड करता है, वेदर सही होगा तो। अब तो सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो मैंने बना दिया है, अब देखते हैं कैसे पूरा दिन। अभी रोहन को लाना भी एक मेरे लिए मेन टास्क ही है कि उसको लाने जाना है। पैरों में बहुत पेन हो रही है कि कैसे जाऊँ, सिर में पेन, अब उसको लेकर आऊँगी। उसके बाद फिर देखते हैं, रेस्ट करना होगा, रेस्ट करना होगा तो रेस्ट करूँगी, बस रोहन ज़्यादा परेशान ना करे तो मेरा डे प्लान फिर भी सही रहेगा। देखते हैं आगे, फिर गाइज मिलते हैं आपसे रोहन को स्कूल से आने के बाद। तो गाइज यहाँ पे हमारा दो पार्सल आ गया है, अब रोहन वेट नहीं हो रहा उसे कि है क्या। एक एक दोनों हमारा ही, रुको बेटा वैसे नहीं ओपन करते हैं, वैसे ओपन नहीं करते, जस्ट वेट है इसमें। तुम बताओ, सीट कवर सीट कवर सीट कवर तो कल ही आ गया, आगे सीट कवर आएगा क्या? ये ओपन ओपन, इधर से इतना सीट है मेरे लिए है ही नहीं कुछ। ये देखो क्या है, लो पता है क्या है? क्या बताओ? बैग, हैंड बैग। इसमें क्या है? उसमें भी, उसमें तुम्हारे काम का भी चीज है। नाइस। रुको ना करते हैं, पहले इसको ओपन तो करने दो। क्या पैकेजिंग? यहाँ पैकेजिंग तो सही है। ये तेरा प्रोडक्ट क्या है देखो? अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा से जो तुम तोड़े थे याद है? क्या तोड़े थे? ट्राइपॉड। मुझे तो ट्राइपॉड नहीं है उसका, बस स्टैंड है। ये देखो भाई, इतने छोटे से बैग में लग रहा है कितने सारे पेपर निकले हैं। ये देखिए पेपर का पूरा बंडल ही निकला है। रोने फैलाओ नहीं बेड पे बेटा, रोने फैलाना नहीं बेड पे। माय गॉड, अब ये देखिए बैग कुछ इस तरीके का। एक्चुअली मुझे साइड बैग्स मतलब पसंद तो आते हैं, बट कैरी करने में बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मुझे स्लिंग बैग्स ही पसंद है, इजी टू कैन। हेलो, अब तुम्हारा मैथ्स का पेपर है ना? यस। तो एडिशन अपने फ्रेंड्स को, छोटे छोटे फ्रेंड्स को भी सिखा दो कैसे एडिशन करते हो तुम। अपना एडिशन देखो, तो है? 3 + 2 का है, तो कैसे करते हो? रेस नहीं नहीं रेस, कौन सी रेस करना? सही है सही है, वो पहले का लिखा हुआ है, तुम बताओ ना 3 + 2 को कैसे किए। देखो ये जो 3 में मेरे पास 3 करने थे, फिर मेरे पास 2 करने और हो गए, ठीक है, तो कितना बचे? इसको मैच कर दे, 1 2 3 4 5 5 हो गए। और माइनस कैसे करते हैं? ओके, और माइनस वाला कैसे करते हैं? जब मेरे पास 4 कैंडी थे, हाँ, तो मैंने 2 कैंडी और खा लिया, अच्छा तो 2 ही बचे। वेरी गुड। हाँ तो रोने पढ़ा भी सकते हो छोटे बच्चों को, है ना?
सिखा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम वाले चीटिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, चीटिंग, क्यों? चीटिंग इज अ बैड थिंग। ओके, आप पता नहीं है, अब यार अब मेरा फ्रेंड सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया। और चलो चलो चलो, फोकस ऑन एग्जाम, ठीक है। चलो सिखा दिया, बाद में मिलते हैं, ठीक है। और रोनिल, हाँ रोनिल, हाँ रिवीजन हो गया सारा आपका? अभी अभी कंप्लीट होने वाला है फाइनल। हाँ, एक और एक लास्ट रिवीजन करना है ना। हाँ। अभी क्या कर रहे हो? ये रोनिल नया ट्राइपॉड का स्टैंड आया जो टूट गया था, तो उसी का रोनिल ट्राई कर रहा है ना। अपना फोन डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, इतने छोटू से। रोनिल सारा ट्राई कर रहा है। तो गाइस, हम लोग जोमेटो से मंगवाए है मेरे लिए मेरा मन पसंद, और पापा, और दिखाई तुम लोगों का क्या हुआ है। आवाज तो कम किए नहीं टीवी का। गाइस देखिए प्याज। अच्छा गाइस, प्याज भी देखें। एक और प्याज, दो प्याज भी दिया। ओ हो हो, अरे जब घर में मम्मी पापा दोनों की तबीयत खराब हो तो बेटे का पार्टी हो जाता है। ये तो बिग पार्टी हो गया नहीं मम्मा। ये मुझे आज हम चावल नहीं खाएंगे, चावल नहीं। तो मेरे भी और रोहित की दोनों की तबीयत खराब थी, मतलब खराब है, तो खाना बनाने के लिए कंडीशन में कोई नहीं थे। तो आज हमारा घर का खाना, बाहर से खाना ऑर्डर किया है। रानी का फेवरेट काना भोग वहाँ पे बराबर है, तो रानी की पार्टी हो गई। रानी इज सो हैप्पी नाउ। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। पंखा चले तो हवा देगा, पंखा चले तो हवा देगा। कितनी गौर से क्या सुन लो, हवा देगा तो रसगुल्ला देगा ना। सब उल्टा बना दिया, अभी कुछ और गा रहा था। जब जब रसगुल्ला देखता तो नहीं। हाँ, रसगुल्ला देख के ही डायलॉग है। ये हमारा फेवरेट थाली, ये, और इसमें है, एक पनीर दे दो। हाँ हाँ, सब में सब देंगे। इसमें अमृतसरी कुलचे और छोले, ये भी खोल दो। इसको पहले कुलचे है। कुलचे है, पहले उसी को खा ले। अब चार दोनों मिला के, दोनों मिला के खा। चलो, वेट रानी, वेट वेट रानी। ये कर रहे हैं। अच्छा, कुलचे सही होते हैं इसके। लास्ट टाइम बोला कम ठीक नहीं था ना, आई थिंक उसमें अदरक ज्यादा था, इसीलिए फिर नहीं ऑर्डर कर रहे थे। Now time to say bye, please subscribe, channel, bye, bye.